बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 4.1 और इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 8 को डिस्कस करते हैं। अब ये ना समझना कि ये पार्ट 8 अगर आपकी बुक में कहीं डिफरेंट 7 नज़र आ रहा है या 6 भी है, मेरी बुक में ये पार्ट 8 है। मे भी एडिशन का फ़र्क हो तो ये आप चेक कर लेना, है सिलेबस में उसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन ये दिया हुआ है हमें 64 x पावर 5 माइनस अगेन 64 एक्स डिवाइडेड बाई 8 एक्स स्क्वायर प्लस 8 इंटू 2 एक्स प्लस 2। स्टूडेंट देखते हैं इसमें अगेन कोई फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, कोई इसमें वैल्यू शॉर्ट कर सकते हैं, कोई सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कोई वैल्यू कॉमन ले सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें सॉल्व करने के लिए मैं देखता हूँ कि फार्मूला कोई भी अप्लाई नहीं हो रहा, इस पर कोई अप्लाई नहीं हो रहा, सिर्फ कॉमन वैल्यू ले सकते हैं हम। इसमें 64 एक्स पावर 5 है और इसमें भी 64 एक्स है, एक्स कॉमन ले सकते हैं। मैंने एक्स कॉमन ले लिया इसमें और फिर लिखा 64 एक्स पावर 4 माइनस 64 और डिवाइडेड, अभी इसको ऐसे रहने देता हूँ मैं, 8 एक्स 2 प्लस 8। इसको सॉल्व करके देखते हैं कोई वैल्यू इसमें से रिड्यूस हो जाएगी तो फिर आगे कॉमन भी ले लेंगे। अब इसको सॉल्व करता हूँ मैं, फार्मूला अगेन देखता हूँ इस पर कौन सा फार्मूला अप्लाई कर सकता हूँ मैं। इस पर फार्मूला अप्लाई हो सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखते हैं फार्मूला, इसको अप्लाई करते हैं एक्स इंटू, अब 64 को मैं लिख सकता हूँ 8 एक्स 2 पावर 2 माइनस 8 पावर 2, अब डिवाइडेड बाय ये वैल्यू 8 एक्स 2 प्लस 8 इंटू 2 एक्स प्लस 2। अब ये वैल्यू जो हमारे पास है, ये देखें, ये ए स्क्वायर है माइनस ये वैल्यू बी स्क्वायर। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 8 एक्स 2 प्लस 8 इंटू 8 एक्स 2 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 8 एक्स 2 प्लस 8 इंटू 2 एक्स प्लस 2। अब ये देखा स्टूडेंट, ये इसको मैंने इसलिए 8 कॉमन ले सकता था, नहीं लिया था ताकि हमें ये रिड्यूस करना आसान हो जाए। इसको इससे कट कर देते हैं, ये वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। अब मैं इसको लिखता हूँ एक्स इंटू, इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, 8 कॉमन ले सकते हैं, 8 कॉमन ले लिया। फिर ये इसमें क्या लिखा हमने, एक्स 2 माइनस 1 ओवर 2 कॉमन ले लिया और x प्लस 1 आ गया। अब स्टूडेंट इस पे अगेन ये फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और अप्लाई कर सकते हैं हम। इसको मैं लिखता हूँ 8, 8 को x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ 8x इंटू एक्स टू माइनस 1 को मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। देखें x होल स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 और नीचे वैल्यू आ गई हमारे पास 2 इंटू एक्स प्लस 1, ये इससे कट हो जाएगा, 2 4 जार 8 हो जाएगा इज इक्वल टू 4 एक्स इंटू एक्स माइनस 1। ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई और इसमें डिफरेंट भी कर सकते हैं, पहले कोई वैल्यू कॉमन ले लें बाद में ले लें, तो मुझे इस तरह इजी लगा, मैंने ऐसे कर दिया। उम्मीद है स्टूडेंट आप प्रैक्टिस करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।